जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो दोस्तों, फाइनली जो है मगध विश्वविद्यालय के द्वारा सेकेंड सेमेस्टर 2023 से 27 सेशन वाले का जो है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो जारी कर दिया ऑफिशियल। कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन या कॉलेज में जाकर के, तो सारा जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा, नोटिस भी दिखाऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट मैं अपने चैनल पे 100% रियल देता हूं, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइएगा, जितने भी 23 से 27 सेशन वाले हैं, किनको किनको इस वीडियो और इस न्यूज का जो है इंतजार था, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और चलिए हम ले चलते हैं आपको सीधा नोटिस पर कि कब से कब तक ये फॉर्म भराएगा। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने भाई को, ठीक है। चलिए, तो मुझे भी काफी दिनों से इंतजार था कि कोई न्यूज ऐसा मिले जो 23 से 27 वालों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा हमारे चैनल पे ट्रस्ट करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि आपको ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाना, ठीक है। देखिए, ये दोस्तों आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ना तो मुझे ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है, क्या इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, डेट वगैरह पेमेंट के बारे में, ओके। सबसे पहले देखेंगे विषय में बैचलर ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स ऑनर्स 4 ईयर कोर्स अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS सेकेंड सेमेस्टर 2023 से 27 से संबंधित छात्रों का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने के संबंध में। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपका कंफर्म हो गया कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आप लोगों ने देख लिया कि ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने के संबंध में। पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। चलिए दूसरा आते हैं डेट के बारे में। देखिए, डेट यहाँ पर सीधा सीधा हम इस नोटिस को पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा और इसमें टाइम भी बच सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें दोस्तों यही लिखा हुआ कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो कब से भरा जाएगा फॉर्म, तो ये दोस्तों आपका 25 जुलाई से लेकर के दोस्तों 2 अगस्त तक आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। और इसमें दोस्तों आपका शुल्क जो है ये 600 रुपये आपको पूरा पूरी लगने वाला है, ठीक है, नहीं दोस्तों आपका जो है 600 रुपया यहाँ पर दोस्तों आपका लगने वाला है, ठीक है, परीक्षा फॉर्म भरने में सेकेंड सेमेस्टर का। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम दिए हैं सिर्फ वही लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम के लिए फॉर्म जो फिलअप करेंगे वो भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑनलाइन माध्यम से जो दिनांक कितने तक जो आप भर सकते हैं, जमा करना सूचित करेंगे तत्पश्चात छात्रों को। देखिए अब कैसे आपको ये फॉर्म को भरना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए आपका जो मगध यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है MU का, वहीं से आपको दोस्तों अपना एप्लीकेंट लॉगिन पर जाकर अपना ID पासवर्ड डालना है। आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जा करके, आपको याद होगा कि आपको एक ID पासवर्ड मिला था जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म भरा था, एडमिशन लिया था, फिर सेम उसी ID पासवर्ड से आपका परीक्षा का फॉर्म भी भरा जाना है, ठीक है। तो वो ID पासवर्ड आपको तब तक संभाल करके रखना जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाता ये वाला, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एग्जाम का जो है संभावना तिथि भी यहाँ पे दे दी है, संभावित तिथि कि आपका जो अगस्त में ही एग्जाम होगा, ठीक है, हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है ये मैं आपको बतलाता हूँ, हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, कैसे कैसे क्या फिलअप करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, जैसे सारा कुछ जो भी आएगा उसमें, तो इसके लिए मुझे जो है एक स्टूडेंट का ID पासपोर्ट और पेमेंट आप लोग सेंड कर दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उनका जो फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा और वीडियो भी बना दूंगा और कोई भी डिटेल्स उसमें नहीं दिखेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अलावा, ठीक है, बाकी सारा कुछ हाइड रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, यहाँ से आपको दोस्तों हम दिखाते हैं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। वैसे तो मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, यहाँ से ये खुल चुका है, ये लोड ले रहा है वेबसाइट, ठीक है। और ये दोस्तों जैसे ही खुलेगा तो आप लोग को इतना नहीं झोली डाल करना, मैं आपके लिए हमेशा बेहतर की तलाश में रहता हूँ, ठीक है, तो हमेशा मैं आपको डायरेक्ट लिंक ही दे दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत करने का सामना नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही आइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लीकेंट लॉगिन, उससे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, UG 2024 से 28, PG 2023 से 25, UG 2023 से 27, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना, ओके। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेंगे दोस्तों तो फिर से एक बार नया ये वेबसाइट ओपन होगा, पेज खुलेगा,
उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन वाला ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ गया ना यूजर नेम और पासपोर्ट डालने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासपोर्ट और ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, इसमें फिल कर देना, इस वाले बॉक्स में बहुत ध्यान से फिल करना है। कैपिटल लेटर तो कैपिटल, नंबर हो तो नंबर, स्मॉल लेटर हो स्मॉल लेटर, ठीक है। सारा कुछ फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह कर देना है, सही जानकारी चेक करके आपका फाइनल जॉब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार नोटिस को हम और फिर से आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए उसे, ठीक है। हालांकि ये नोटिस तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं। बस आपका दोस्तों इतना ही काम था, बाकी जब आप जैसे ही फॉर्म भर देंगे तो अपना जो है आईडी पासपोर्ट कॉलेज वाले लॉगिन करके आपके फॉर्म को चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो जब से यानी कि 25, एक सेकेंड, कितना था डेट इसमें, हाँ 25 जुलाई को दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा शाम में, या 26 जुलाई को वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। चलिए तो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे संपर्क कर लेंगे, मैं उनको बता दूंगा क्या क्या भेजना है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ये आप नोट कर सकते हैं, 7091, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 70, ठीक है, 91 67 32 32, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप है, और कॉलिंग आप लोग मत ही कीजिएगा क्योंकि लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो ये था दोस्तों हमारा फाइनल जानकारी आज के इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के यहाँ पे आप लोग ना जोड़िए, ठीक है, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जितना भी अपडेट आता है और रियल न्यूज आपको हमारे चैनल के द्वारा बताया जाता है, और ग्रुप में काफी ज्यादा जनसंख्या में जो बच्चे हैं, तो जा करके आप सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा तो और भी अच्छा रहेगा आप सभी लोग के लिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो छोटा मोटा हेल्प आप ग्रुप में बातचीत करके वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, बाकी तो मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।